चलिए, तो आज हम सीखेंगे कि बिगरॉक पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले गूगल में लिखा बिगरॉक डॉट इन, अब जैसे कि हमें कोई डोमेन बुक करना है, जैसे मान लेते हैं हमने किया प्रतीक मोबाइल के नाम से डोमेन बुक करना है और इसको सिलेक्ट ऑल किया एंड गो। अब यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रतीक मोबाइल डॉट नेट अवेलेबल है और प्रतीक मोबाइल डॉट इन अवेलेबल है और इतने सारे और भी अवेलेबल है। तो अब जैसे मान लीजिए इसमें प्रतीक मोबाइल डॉट नेट 299 रुपए का है, इसी को हम बुक कर लेते हैं। तो ऐड किया चेकआउट, कंटिन्यू चेकआउट भी 299 रुपए प्लस, ये 299 रुपए सिक्योरिटी के ले रहा है तो हमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो ये 299 रह गया और चूंकि ये फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करने के लिए कह रहा है तो 10% और लेस हो जाएगा, तो हमने इसको फेसबुक पे हम इसको शेयर किए देते हैं। तो 299 से घट के 284 रुपए रह गए एंड प्रोसीड टू पेमेंट। अब इसमें यहां पर यदि जो हम अभी डोमेन बुक करने जा रहे हैं प्रतीक आईआईटी डॉट नेट, तो ये जो डोमेन हम बुक करते हैं ना, इसके लिए हमें एक बिगरॉक में अकाउंट बनाना जो है बनाना रहता है, जिस पर जिसके अंदर हमें अपना डोमेन दिखाई देता है कि ये डोमेन हमारे पास है, ये डोमेन हमारे पास है। तो इसके लिए चूंकि हमारा पहले से अकाउंट बना हुआ है, लेकिन यदि कल को हम अगर एक बिगरॉक में, क्योंकि जब हम डोमेन बुक करेंगे तो हमारा अकाउंट, पहले हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो जो भी हम डोमेन बुक करेंगे वो हमारे अकाउंट में शो होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्रिएट अकाउंट में जाएंगे। अब ये जो रेड कलर का बन के आता है, इसका मतलब होता है ये सब कुछ मैंडेटरी है, मतलब ये कंपलसरी है। तो यहां पर हम अपना नाम लिखेंगे, ये मैंने अपना नाम लिख दिया, ईमेल आईडी कोई भी जीमेल की आईडी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ पर हमारा प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर हम पासवर्ड भूलते हैं तो उसकी संबंधित जो भी जानकारी होगी वो हमारे मोबाइल नंबर पर आएगी, जो भी ओटीपी वगैरह जो भी है। इंडिया स्टेट में सिलेक्ट कीजिए, जो भी स्टेट है आपकी, मध्य प्रदेश, पिन कोड डाल दीजिए इधर, सिटी डाल दीजिए इधर, एड्रेस डाल दीजिए, क्रिएट अकाउंट। ये हमें ध्यान रखना है पासवर्ड वगैरह जो भी रखा होगा, ठीक है। ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है।